शेखोहाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाई जा रही है ईद। जनपद फिरोजाबाद की नगरी शेखोहाबाद में कोरोना संक्रमण के बीच ईद का पर्व ईद उल अजहा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुस्लिम समाज ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा कर देश की सलामती के लिए दुआएं मांगी। मुस्लिम समाज ने एक दूसरे के यहाँ पर तसब्बुर भिजवाकर ईद की मुबारकबाद दी। प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। सभी ने घरों में ही ईद की नमाज पढ़ने के दिशा निर्देश जारी किए। मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने घरों में अपने परिवारों के साथ ईद की नमाज पढ़ी और खुदा से मुल्क से कोरोना बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की दुआएँ की। मुस्लिम समाज के लोगों ने सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। ईद के त्यौहार पर सुबह से ही प्रशासन का मुस्तैद नजर आ रहा था। SDM देवेंद्र पाल, क्षेत्र अधिकारी राजवीर सिंह और प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार ने भी मुस्लिम इलाके में सुबह से ही डेरा डाल दिया। वो मस्जिदों के आसपास सुरक्षा को लेकर काफी पुलिस फोर्स तैनात की गई। आज का दिन बड़ा ही मुबारक दिन है। आज का दिन ईद सुबह का दिन है और कोरोना के चलते हुए ईद उज़ुहा के मौके पर तमामी हजरात ने अपने अपने घरों में नमाज अदा कर दुआएं की कि अल्लाह तबारक व ताला कोरोना जैसी वबा को इस दुनिया से बिलखसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान से इस वबा को दूर फरमाए। और आज ईद उज़ुहा के दिन मैं तमामी हिंदुस्तानियों को बड़ी बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला इस ईद उज़ुहा के सदक़े में परवरदिगार आलम हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में अमन चैन अता फरमाए। मधु सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। मधु सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।